अच्छा जी, कल हमारा लास्ट टॉपिक कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने कंपाउंडिंग पढ़ी, लेकिन सिर्फ पीरियडिकली। पीरियडिकली से मुराद, सॉरी, एनुअली पढ़ी थी, कि जिसमें पूरे एक साल के बाद हमने कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा या कोई भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और डिफरेंस हमने देखा था कि सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा। सर, सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू आप लोगों ने पहले दिन बोरो की होगी या लेंडर ने कोई अमाउंट किसी को उधार पे दी होगी, वो उस अमाउंट के ऊपर ही रेट लगाएगा हर साल। वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हर साल रेट अप्लाई करके उसका इंटरेस्ट या उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा होगा। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, लेकिन प्रेजेंट, सॉरी, कंपाउंड में हमने ये देखा कि जो भी रेट अप्लाई होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो सिर्फ पहले साल अप्लाई होगा। कंपाउंडिंग में पहले साल सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रेट लगेगा, लेकिन दूसरे साल का जो रेट लगाया जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू, और फिर उस फ्यूचर वैल्यू को आप दूसरे साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम कर रहे होंगे और फिर आप उसके ऊपर रेट लगाएंगे। तो ये हमने कंपाउंडिंग में किया था। सिंपल और कंपाउंड का पहले साल का इंटरेस्ट हमेशा क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिसमें वो कहेगा कि भाई एक अमाउंट आपको सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करवानी पड़े एक साल के लिए या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जमा करवानी पड़े एक साल के लिए, तो आप कंपाउंड पे जमा करवाएंगे या सिंपल पे? अगर मैं कहूं कि मैं सिंपल पे करवाऊंगा तो ये बेवकूफ फैसला होगा या नहीं, बेवकूफ वाला? अगर मैं 1,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करवा दूं, रेट 10%, और एक एक में कंपाउंड पे 1,000 रुपये एक साल के लिए जमा करवा दूं 10% रेट पे, तो क्या मेरे लिए कंपाउंड वाला ऑप्शन बेस्ट है या सिंपल वाला? दोनों सर, सिंपल और कंपाउंड में पहले साल में इंटरेस्ट रहना सेम है। तो भाई मैं चाहे वो सिंपल से करवाऊं चाहे वो मैं कंपाउंड से करवाऊं, शर्त ये है कि वो एक साल होना चाहिए। अगर मोर देन 1 ईयर का पीरियड होगा तो फिर मेरे लिए सुटेबल कौन सा ऑप्शन होगा? कंपाउंडिंग होगा। और भाई डिपेंड ऑन रेट्स, क्या मैंने 10% दोनों में कर तो दिया है, ये मुआस है कौन सा? वही हाल नहीं। अच्छा जी, आज हमने करना है पीरियोडिकली। जब पीरियोडिकली होगी तो भाई इसमें कंपाउंडिंग जब भी पीरियडिकली होगा या होगी, इसका वेंडर अभी तक पता नहीं चला, कंपाउंडिंग चाहे वो पीरियडिकली होगा या पीरियडिकली होगी, उसका मतलब ये है कि ये साल में कम से कम एक दफा तो नहीं होगी, एक दफा से ज्यादा टाइम के लिए होगी, या वो 2 टाइम्स हो सकती है, या वो 4 टाइम्स हो सकती है, या वो 6 टाइम्स हो सकती है, या वो 72 टाइम्स, मतलब कि वीकली अगर होगी तो 72 टाइम्स होगी, तो मतलब कि सॉरी 52 टाइम्स होगी। तो एक से ज्यादा पीरियड के लिए आएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये आपका पीरियडिकली है, पर अगर पीरियड एक रहेगा यानी कि एक साल का ही फिर वो पीरियड होगा तो उसे आप क्या कह रहे होंगे? एनुअली। तो जब पीरियडिकली होगा तो उसके लिए कुछ पीरियड्स बताए गए हैं, जब कंपाउंडिंग आप पीरियोडिकली कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये जो भी वजीर आजम साहब हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि ये डिपेंड करता है आप अमाउंट ले रहे हैं या पे कर रहे हैं। भाई आप अमाउंट पे करें या आप अमाउंट ले, ये पहले साल पे तो दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद देखा जाएगा कि अगर अमाउंट आप पे करते हैं, किसी को देते हैं तो कंपाउंडिंग पे दें, और अगर किसी से लेंगे तो सिंपल पे लेंगे, क्योंकि काकड़ है ना आजकल अगर रहेगा तो।
वजीर आजम, इनवारुल हक काकड़। निगरान वजीर आजम, लेकिन आने वाला तो वही होगा। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। सदर आपका बनेगा आसिफ अली जरदारी इंशाल्लाह। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं इसीलिए बोला इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा पीरियोडिकली में? भाई पीरियोडिकली का मतलब यह है कि आपका एम ग्रेटर देन वन होगा। पीरियोडिकली यानी कि पीरियोडिकली को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों की बुक में एम से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ पीरियड एन मल्टीप्लाई टी किया होगा और नंबर ऑफ पीरियड। और बाद जगह पर आपकी ही बुक में एन टाइम को भी जाहिर करता है और कंपाउंडिंग में एम पीरियड्स को जाहिर करता है, तो इसलिए यहां इसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, चाहे वो टाइम सिंपल में हो चाहे वो टाइम कंपाउंडिंग में हो। और पीरियोडिक का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा पीरियड्स के लिए आ जाना, दो चार छह, यानी कि अगर एम वन से बड़ा होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये पीरियोडिकली है। अब पीरियड्स क्या होंगे सर? सेमी एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। इसकी जगह पर आप एम क्या पुट करेंगे? टू। साल में दो दफा, यानी कि एक साल को जब आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैं कहता हूं जी कि ये आपके पास पहले 6 माह और ये वाले लास्ट 6 ईयर। एक साल आपका यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, यहां पर एंड हो जाता है। तो पहले 6 मंथ इसको आप एक सेमी एनुअल कहेंगे और एक ये 6 मंथ। तो आपका सेमी एनुअल उसमें कितने पीरियड्स आएंगे? दो। पहले 6 माह अलग और 6 माह अलग। एनुअल मतलब साल और सेमी मतलब उसका हाफ, हाफ ऑफ द ईयर या हाफ ऑफ एनुअल, तो इसे आप कहेंगे सेमी एनुअली। तो ये पहले 6 माह फिर 6 माह, तो ये साल में आपकी अमाउंट दो दफा कंपाउंड हो सकती है अगर कंपाउंडिंग पीरियड ग्रेटर देन वन होगा। अगर तो वन होगा तो भाई वो एक साल के बाद ही होगी जो हमने कल किया था। तो यहाँ एम आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमको? टू से। अगर कंपाउंडिंग पीरियड आपके पास आ जाए, क्वार्टरली, तो इसको आप एम फोर से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास जो है 12 माह का पीरियड है, आपके पास 12 माह का पीरियड है। ये मैंने तमाम एक पूरा साल कर दिया कि यहां पर फर्स्ट और 12, ये 12 माह का पीरियड है, बल्कि 0 से शुरू होके 12 मंथ तक जाता है। अब अगर मैं क्वार्टर्स का मतलब होता है कि एक पूरे साल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मुझे इस टाइमलाइन के अंदर कितनी लाइंस लगाना पड़ेंगी? 4, 3, क्योंकि जब आप 3 लगाएंगे तो 14 खुद ब खुद ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब अगर मैं ये डिवाइड करता हूं तो 12 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 क्वार्टर्स वाला, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हर क्वार्टर में कितने मंथ्स आएंगे? 3 मंथ्स आएंगे। तो भाई क्वार्टर का मतलब होता है कि एक पूरे साल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो भाई हर एक साल के अंदर कितने क्वार्टर्स आ जाएंगे? फिर आपके पास 4 आ जाएंगे। लेकिन हर क्वार्टर में कितने मंथ्स आएंगे? हर क्वार्टर में 3 3 मंथ्स आ रहे होंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास 12 मंथ्स ही बनेंगे। तो भाई क्वार्टर के लिए हम इसीलिए एम फोर करते हैं कि यहां पर 4 क्वार्टर्स बन रहे हैं एक साल में। तो एम आप जब क्वार्टरली क्वेश्चन होगा तो एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए बाय मंथली, अगर क्वेश्चन में आ जाए बाय मंथली, तो अब पीआरसी वाले बच्चे जो हैं इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि 1 माह छोड़ के 1 माह बाद
एक माह छोड़ के एक माह बाद, तो अगर अब आप अपने अकॉर्डिंग देखें तो आप एक माह छोड़ के एक माह बाद पेपर देंगे तो पीआरसी के पेपर पूरे एक साल में कितनी दफा दे सकते हैं? सिर्फ 6 दफा दे सकते हैं, तो मतलब एक माह छोड़ के एक दफा, तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। अगर मैं मंथली की बात करूं तो पहले क्या होता था, आप पूरे साल में हर माह पेपर दे सकते थे, तो आप एक साल में 12 अटेम्प्ट कर सकते थे, मतलब 12 टाइम पेपर दे सकते थे, और मंथली साल में 12 माह होते हैं, तो ये पीरियड कितने का होगा? 12 माह का होगा। एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीरियड्स को, यहां पर भी एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ पीरियड्स को या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। अब इसके अलावा मंथली के बाद अगर मैं फोर्थ नाइटली की बात करूं, फोर्टनाइटली का मतलब होता है कि हर 15 दिन के बाद या हर एक माह में दो दफा, एक माह में दो दफा, तो यहां पर एम फिर क्या होगा? 24 होगा, पीरियड 24 होगा। इसके बाद वीकली आ सकते हैं जी, तो वीकली के लिए पीरियड कितने बनेंगे? 52। पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर वो आपको कह दे कि आपने, सॉरी, डेली, तो फिर 365 होगा एम, और फिर इसी तरह अगर आवर्स में कर देगा तो फिर 365 मल्टीप्लाई 24, और अगर मिनट्स में कर देगा तो मल्टीप्लाई 60, अगर सेकंड में कर देगा तो मल्टीप्लाई 60। मजीद किसी को तकलीफ हो तो वो मजीद भी कैलकुलेशन कर सकता है, नैनो सेकंड में जाएगा तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आई को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो सिर्फ मंथ्स या क्वार्टर्स या वो ईयर में पूछ रहा होता है। अगर मिनट में करना होगा तो वही देखें कि 365 ये तो डेज है, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो आप क्या करेंगे, मिनट्स के लिए 365 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये आ जाएगा आवर्स में, मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा? मिनट्स का आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपके एम यानी कि पीरियोडिकली आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पीरियड्स आ सकते हैं, ये तमाम पीरियड्स नहीं देगा, या तो वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कह देगा, या वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली कह देगा, या कंपाउंडिंग मंथली कह देगा, या कंपाउंडिंग बाई मंथली, या फोर्टनाइटली, या डेली कह सकता है। इससे ज्यादा वो डीपली क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं जी, पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, बल्कि हम ऊपर वाली टाइमलाइन ही ले आते हैं। जी, जिसने रेज हैंड किया भाई अपना क्वेश्चन कर सकता है, जिसका भी हैंड रेज हुआ था अभी। अच्छा जी, अब इसमें भी हमने स्टार्ट करना है। मैं कहता हूं जी कि एक बंदा, एक पर्सन 1,000 रुपये आज इन्वेस्ट करता है, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और रेट इसके ऊपर लगेगा 10% कंपाउंडिंग ईयरली एनुअली। अगर मैं कंपाउंडिंग बोल के खामोश हो गया हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम किया जाएगा कि रेट कितना है? एनुअल है, पूरे साल का है, ये रेट लगेगा कंपाउंडिंग। जैसे ही रेट के साथ वर्ड कंपाउंडिंग आ जाएगा तो भाई फिर आपका क्वेश्चन सिंपल से उठ के कहां पे आ जाएगा? कंपाउंडिंग मेथड में आ जाएगा। अब 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये सिर्फ 2 साल के लिए, 1,000 रुपये ये सिर्फ 2 साल के लिए क्या कर रहा है? किसी एक बैंक में
जमा करवा रहा है, 1 ईयर और 2 ईयर। अब ये 2,000 रुपये जमा करवा, 2 साल के लिए 1,000 रुपये जमा करवाएगा। अब इसमें देखें जी कि रेट 10% पर ईयर, 10% कंपाउंडिंग पर ईयर है, और कंपाउंडिंग पीरियड जो होगा वो होगा कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। यहां तक लिखा होता तो पूरे साल का था, लेकिन ये अमाउंट, रेट अभी भी पूरे साल का है, लेकिन ये रेट उस अमाउंट पे कितनी दफा लगेगी अगर कंपाउंडिंग के साथ वर्ड आ जाए सेमी एनुअली, इसका मतलब है कि ये साल में 2 दफा रेट अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन ये रेट पूरे साल का है, रेट पूरे साल का है, लेकिन ये रेट अमाउंट पे लगा के, अमाउंट उसकी पहले 6 माह पे रेट लगेगा, वो उसके अंदर ऐड होगी, और ऐड होने के बाद अगले 6 माह का रेट फिर लगाया जाएगा कंपाउंडिंग की अमाउंट के ऊपर। अब उसे पहली अमाउंट मिलेगी इस 6 माह के बाद, फिर अमाउंट मिलेगी इस 6 माह के बाद, फिर अमाउंट मिल रही होगी इस 6 माह के बाद, और फिर इस 6 माह के बाद। तो मतलब पूरे 2 साल के अंदर, पूरे 2 साल के अंदर सेमी एनुअली कितनी दफा होगा? 4 दफा। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे, 1 साल के अंदर, क्योंकि रेट 1 साल का दिया, रेट 2 साल का नहीं है, रेट 1 साल का है, हम 1 साल का जब करेंगे तो कंपाउंडिंग पीरियड कितना होगा? 2 होगा। हसीब कौन है, देख लो कौन से वाला। अच्छा जी, अब हमने कहा था कि हमारे पास टाइम, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें पीरियडिकली सेमी एनुअल साल में 2 दफा रेट अप्लाई होगा, साल में 2 दफा रेट अप्लाई होगा। अगर क्वार्टरली होता तो ये 10% वाला रेट साल में 4 दफा अप्लाई होना था, अब कितनी दफा होगा? 2 दफा। पहले 6 माह पे अप्लाई होगा, इसकी जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हम प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करेंगे, जो भी इंटरेस्ट की आएगी, यहां पर एक अमाउंट बनेगी, अगली दफा रेट इस पे अप्लाई किया जाएगा अगले 6 माह के लिए। लेकिन 6 मंथ और टाइम और रेट 1 ईयर, क्या दोनों का यूनिट सेम करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों का यूनिट सेम करेंगे या नहीं करेंगे? इन दोनों का यूनिट हम सेम करेंगे, और यूनिट सेम करने के लिए कल मैंने पढ़ाया, कल मेरा लेक्चर यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपने रेट को टाइम या टाइम को रेट इक्वल करना है तो आप कैसे इक्वल करेंगे, और इसमें मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि आप अपने टाइम को अपने रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ले, क्योंकि रेट हमेशा आपको एनुअल बेस पे देता है, टाइम कभी ईयर में कभी मंथ्स में दे रहा होता है, तो आपने टाइम को रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, और इसका मैंने गोल्डन रूल भी आप लोगों को बताया था। चल ये भी अच्छी बात है, जिसने भी कैप्शन इंग्लिश में कर दिया है। अच्छा जी, 1,000 रुपये वाला, अब लेकिन रेट मंथ में है, और सॉरी टाइम मंथ में है, रेट किसमें है जी? ईयर में है। हमने पहले इस 6 मंथ को ईयर में लेके जाना है, पहले इस 6 मंथ को किसमें लेके जाना है? ईयर में लेके जाना है, क्योंकि हमारा रेट भी किसमें है? ईयर में है। अब टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ है, टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ है, लेकिन हमारा रेट, रेट को किसमें है? ईयर में है, तो हम क्या करेंगे, उसे ईयर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। हम उसे ईयर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो भाई 6 मंथ्स। अब ईयर में जाने के लिए, अब 1 साल में कितने माह होते हैं? 12। ये तो पता ही है ना कि 1 साल में 12 माह होते हैं। अब देखिए यूनिट, अब यूनिट देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपके पास जो मंथ वाला यूनिट है वो ईयर से बड़ा है या छोटा। मंथ छोटा यूनिट है, ईयर बड़ा यूनिट है। अब आप उन मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे?
आप उसे डिवाइड करवाएंगे। यही तो रूल था कि आप उसे क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। अब ये डिसाइड हो गया कि हमने डिवाइड करवाना है भाई किससे, मंथ से, क्योंकि हमारे पास ये 6 मंथ्स हैं, हमने इसे ईयर में लेके जाना है, हमने इसे ईयर में लेके जाना है। तो जब हम ईयर में लेके जाएंगे तो भाई 1 मंथ, 1 साल में मंथ्स कितने होंगे, 12, तो हम डिवाइड कर देंगे मंथ्स के साथ, तो आंसर क्या बनेगा, 0.5। तो अब अगर आप देखें तो 6 माह बेसिकली आपके पास हाफ ईयर ही कहलाता है, तो आपके पास टाइम कितना निकला, 0.5 ईयर निकला। तो ये मैंने मंथ्स को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, ईयर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये कन्वर्जन कल वाले लेक्चर में कंप्लीट मैंने करवाई है। आपने छोटे से बड़े यूनिट या बड़े से छोटे यूनिट में आना है, तो मैंने ये कंप्लीट कन्वर्जन करवाई है, बाय मंथली में भी, क्वार्टरली, बाय मंथली, उसके बाद ईयरली, वीकली, मतलब तमाम के तमाम जितने भी पॉसिबल आपके पास पीरियड्स बनते थे उसमें मैंने कन्वर्जन करवाई है। ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अब यहां पर ये टाइम आ गया, अब हम क्या 6 मंथ का मंथ को कन्वर्ट कर ले टाइम में, अब हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट पावर्टी। अब रेट 10% है, पावर टाइम में अब 6 मंथ्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपए, 1 प्लस रेट 0.1, टाइम 0.5। मुझे आंसर बता दें, फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ की फ्यूचर वैल्यू क्या निकली है जी, 10.48, ये निकली है जी। अच्छा, ये हमारी पहले 6 माह के एंड पे फ्यूचर वैल्यू होगी 1048.48। अब जो भी रेट अप्लाई होगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, इन 6 मंथ के एंड पे जो हमारे बैंक में वैल्यू पड़ी होगी उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा। अब हमें पता है कि हमने 6 मंथ को कन्वर्ट किया है, तो ये हर जगह पर क्या बनेगा, टाइम 0.5 ईयर ही बन रहा होगा, 0.5 ईयर ही बनेगा। अब अगले साल का अगर निकालें तो प्रेजेंट वैल्यू जो भी रेट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड 6 मंथ के लिए क्या बनेगा, सेकेंड 6 मंथ इसमें प्रेजेंट वैल्यू 1048.48 इंटू 1.1 पावर 0.5 इज इक्वल टू 10.99। तो मतलब बात इलेवन हंड्रेड हो जाएगी, 1100 आ गया। अब अगर तीसरे साल में, अगर तीसरे पीरियड में देखें कि तीसरे पीरियड के एंड पे क्या होगा, तो भाई थर्ड 6 मंथ्स में तो आपके पास 1100, 1.1, 0.5, आंसर 11। और अगर हम फोर्थ 6 पीरियड के लिए देखें, फोर्थ तो 11,53.68 इंटू 1.1 0.5, आंसर 12,09,98। अच्छा, ये तो आपके पास निकल आया एंड पे, मतलब कि 2 साल के एंड पे आपके अकाउंट में 109.98 पड़ा है। ये पीरियोडिकली पड़ा है, पड़ा भी कंपाउंडिंग से है, दूसरे साल के एंड पे। क्या जो कल हमने किया था दूसरे साल के एंड पे हमारे अकाउंट में कितना पड़ा था, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे कंपाउंडिंग पीरियड में कितना था, 12,10, अब कितना पड़ा है, ये क्या है, 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, यहां पर रेट 10%, 1000 अमाउंट,
गलती की है कहीं पर आप लोगों ने, गलती की है। यहां पर क्या है 12 10, यहां पर क्या है? तो भाई ये ज्यादा बननी चाहिए, 12 13 14 रुपए बननी चाहिए। यहां मिस्टेक हुई है। दूसरी वर्किंग में देखें, सेकंड 6 मंथ की कैलकुलेशन दोबारा करें। वन जीरो डबल नाइन मतलब 1100। पर अगर ऊपर देखा जाए तो 2 इयर्स के एंड पे 12 10, तो भाई हमारी तो इस हिसाब से कंपाउंडिंग में ज्यादा बननी चाहिए। भाई अगर देखा जाए तो यहां पर अगर इक्वल भी कर दें तो आंसर 210 आया, तो 2 साल के बाद आया है। पहले साल में तो चले सिमिलर रहेगा, तो क्या फायदा है कि अगर हम 1000 वाली अमाउंट 6 माह के लिए दें 10% पे दें, तो यहां से अगर हम अंदाजा लगाएं तो पहले साल की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए थी, 1100 आ गई, दूसरे साल की 1210 आई, तो हमें क्या फायदा आया? एक मिनट, अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालें, सॉरी इंटरेस्ट निकालें, सिर्फ इंटरेस्ट निकालें आप, आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर t - 1। अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना इंटरेस्ट निकल रहा है दूसरे साल, प्रेजेंट वैल्यू इस वक्त आपकी है 1048.8। इंटरेस्ट निकालिएगा जी, जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो हम उसमें ऐड करेंगे, 48.80। अब आप ये 48 इसमें पुट करके देखें आंसर क्या आता है, वही बनेगा। आंसर क्या निकला है 1000, तो मतलब के पॉइंट्स में करते तो वही निकला जो पहले आंसर हमारा निकला था 1100। नहीं एक मिनट, कल वाली कैलकुलेशन देख लो, अलग अलग भी तो यही सेम आना चाहिए। देख अगर पॉइंट्स का आप डिफरेंस भी लेते हैं, पहले 6 माह का लिया आपके पास आंसर निकला 1048.48, ये पहले 6 माह का निकला है, और इसमें आपके पास रेट भी सेम है। और अगर आप वो कहें कि हमारी कन्वर्जन गलत हुई है टाइम की, तो भाई कन्वर्जन भी बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि 0.5 ईयर ही बनेगा, कन्वर्जन भी हमारी बिल्कुल ठीक हुई है, और टाइम में हम पुट भी क्या कर रहे हैं 0.5 ईयर ही पुट कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि हमारी वैल्यू जो निकली है वो भी ठीक निकली है, पहली वर्किंग 1000 प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1.1 अब इसमें इसे मल्टीप्लाई, ये आपकी क्या बन गई, अब प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाई आंसर, ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1.1 पावर में क्या चला जाएगा 0.5, ये आंसर आपका बना। आंसर क्या है? हाँ
मेरी बात सुन एक लीजिए मिनट एक सर, ये 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दूसरा साल? नहीं टाइम करेंगे? हम पीरियड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, हम तो एक एक पीरियड का निकाल रहे हैं कि हर पीरियड का इंटरेस्ट क्या निकलेगा। अगर हमने सिर्फ पहले का निकाला तो वो 1048.48, यानी कि यहां पर हमारा क्या निकला जी, 1048.48 निकल आया। ये हमारे पास क्या निकला है, फ्यूचर वैल्यू निकली है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा। अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4.848 इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल 4.848 इंटरेस्ट निकलेगा। अब ये इसमें ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू में, तो हमारे पास 1048.48 आंसर निकलेगा। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड की जो भी करेंगे हमारे लिए ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसके ऊपर ही आपका रेट अप्लाई किया जाएगा, और वो रेट होगा 10% का, यानी कि 0.1। टाइम कितना के लिए, एक पीरियड के लिए, जो कि 6 मंथ का है, उसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 ही बनेगा। और आप उसका इंटरेस्ट अगर निकालें, इंटरेस्ट सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो वो आपके पास क्या निकला अभी, 48 पॉइंट नहीं सॉरी, ये 0.4848, ये प्रेजेंट वैल्यू। इसका 1 प्लस 0.1 पावर क्या आ जाएगी, 0.5 माइनस 1, आंसर क्या निकला, आंसर क्या निकला जी, इसका इंटरेस्ट क्या निकला है, 151.19। अब ये ऐड किसमें करेंगे, इसमें आंसर क्या निकला, 1099.67। बोले फिर कल वाले क्वेश्चन में तो अगेन कैलकुलेशन करें, कल वाले क्वेश्चन के अगेन जो कैलकुलेट किया है कल वाला, उसको कैलकुलेट करें और आंसर देखें क्या आता है। 1100 का 10% लें तो क्या निकलेगा, बात 110। इसमें पुट करें 110 तो हमारे पास तो 1210 ही निकलेगा, कल बिल्कुल ठीक निकला हुआ। लेकिन मैं इसे मैनुअल कर रहा हूं कि एक दफा इसे मैनुअल किया जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर उसके बाद टाइम के साथ तो करना ही करना है कि इसका टोटल में आंसर उससे ग्रेटर आएगा। और कंपाउंडिंग हमेशा आंसर कोई भी एनुअली हो या पीरियडिकली हो, तो भाई पीरियडिकली का कंपाउंडिंग का आंसर एनुअली से हमेशा ज्यादा ही आता है, लेकिन यहां पर इक्वल क्यों आ रहा है, ये मसला है, फॉर्मूला से ज्यादा आएगा। मैनुअल में हमारी मिस्टेक कहां पे है, एक मिनट, क्योंकि ईयर का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम हर साल का, हम हर पीरियड का इंटरेस्ट उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अब यहां पर 9 6 मंथ है, अब ये पहले साल के एंड पे हमारे अकाउंट में पड़ी है। अब इसके ऊपर अगले 6 माह के ऊपर रेट लगाया जाएगा 10% अगले 6 माह के लिए, और वो टाइम क्या है जी, 0.6 का, 0.5 का होगा टाइम पीरियड आपके पास, एम क्या होगा, 2 का। वहां पे पहले एक साल मिनट 1100 आ रहा है, यहाँ पे पहले साल 1048 कैसे आ रहा है? नहीं, पहले साल वहां पे 1100 आ रहा है, एम मल्टी मल्टीप्लाई एन, तो वो तो फाइनल फॉर्मूला में बनेगा, तो फाइनल फॉर्मूला में ये बनेगा जो मैंने काम अभी इधर किया था ना, कि हम क्या कर रहे होंगे, रेट को टाइम पे डिवाइड कर रहे थे इक्वल यूनिट के लिए, वो इक्वल यूनिट के लिए आर डिवाइडेड बाय एम होता है, वो इक्वल यूनिट के लिए होता है, जिसे पीरियडिकली रेट भी कहते हैं। चलिए इसे वैसे अगर अगर हम बल्कि एक मिनट, इतना ज्यादा दूर क्यों जाए,
कल वाला एनुअल ही था क्वेश्चन, इसलिए आज वाले में है कैलकुलेशन में। अगर देखें तो ये भी कंपाउंडिंग है, लेकिन ये एक साल की है। जैसे हमने कल किया था कि अगर एक साल की होगी तो पहले साल के एंड पे उसके अकाउंट में जो अमाउंट होगी वो 1100 होगी, और अगले साल इसी 1100 के ऊपर 10% रेट लगाया जाएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 110 का। तो मतलब आपके अकाउंट में उस वक्त 1210 रुपए पड़े होंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड पे। ये हमने सिंपल में किया था, लेकिन अगर पीरियड थ्योरेटिकली लेस देन वन आ जाए, यानी कि अगर पीरियड आपके पास एक साल से लेस का होगा, जैसे कि यहां पर सेमी एनुअली है, तो पहले साल का टाइम 0.5 और 6 मंथ को कन्वर्ट किया हमने टाइम में, तो 0.5 निकला आपके पास 6 मंथ का। अगर हम इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिंपल देखें तो अगर हम इसके ऊपर 10% रेट अप्लाई करते हैं तो पहले साल हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे, 1048 क्यों आ रहा था? यही तो मिस्टेक थी, क्योंकि पहले में 1050 ही होना चाहिए था। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रेट कितना, 10% टाइम 1001 पावर 0.5, और यहां 1 मिनट, यहां सिर्फ हमें इंटरेस्ट चाहिए, -1 48। वो भी ठीक है, लेकिन मसला यहां पर है कि यहां की कैलकुलेशन, यहां पर 1000 रुपए है, उसका 10% लें, उसका 10% लेंगे, लेकिन सिर्फ कितने साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या निकलेगा, सिंपल के अकॉर्डिंग, बल्कि हाँ इसे सिंपल से ही करें, इसे सिर्फ 6-6 मार्क, 6-6 माह का, सिर्फ 6-6 माह का सिंपल इंटरेस्ट से इसे सॉल्व करें, तब 50 ही आएगा, क्योंकि हम हर 6 माह को कंपाउंडिंग पीरियड तो कर ही नहीं रहे। कंपाउंडिंग उस वक्त लगाएंगे जब चारों साल, दोनों साल के 4 पीरियड को एक साथ लेंगे, हम कंपाउंडिंग तो इसे कर ही नहीं रहे। हम तो पहले 6 माह, फिर 6 माह, फिर 6 माह, फिर 6 माह, मतलब हम चारों पार्ट्स को सिंपल इंटरेस्ट से अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे। पहले पार्ट को अलग से सिंपल सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें, आंसर क्या आता है जी, 50 आया। अब ये 50 हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड करके हम कहेंगे कि अब इस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट लगाएं, कितना लगेगा, आंसर आपका 5% लगाएंगे, तो क्या आंसर निकलता है, आपका आंसर निकलेगा 52.5। इसे ऐड करेंगे तो आपके अकाउंट में उस साल पड़ा होगा 1102 रुपए, इसके ऊपर 10% लगा के, और 10% लगाना कितने टाइम के लिए है, 0.5 ईयर के लिए, इसका आंसर कितना निकलेगा, 11 यानी कि 1157.625 निकलेगा। अब इसके ऊपर 10% लगा के 0.5 ईयर यानी कि 6 माह के लिए करेंगे तो दूसरे साल के एंड पे आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे 1215 रुपए। ये हमने सिंपल के साथ हर 6-6 माह का अलग से निकाला है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ हर 6-6 माह का हमने अलग से निकाला है, लेकिन कंपाउंडिंग में अगर हमने एक साथ निकालना होगा तो फिर इसे कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे।
नहीं नहीं ये मैं प्रायोगिकली कह रहा हूँ कि हम हर छह छह माह का अलग कर रहे हैं, हम एक साथ नहीं कर रहे। मैंने कहा एक अमाउंट छह माह बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है, फिर ये अमाउंट छह माह बाद इतनी हो जाएगी, तो भाई ये तो सिंपल लगा के छह छह माह का हम आंसर निकालते जाएंगे, सबको एंड पे जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बना था। लेकिन अगर हम इसे कंपाउंडिंग करें तो कंपाउंडिंग में एक फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आर ओवर एम। ये एम का मतलब क्या है कि रेट को उसके पीरियड के बराबर लेके जाने के लिए इन टू टाइम मल्टीप्लाई एम। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कंपाउंडिंग के केस में। ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड में 15% कैसे आया भाई? इसमें देखें कि अगर मैं ये कहता हूं, अभी तक अगर आप इसे यही अज्यूम करें कि हर छह छह माह का इंटरेस्ट निकालना है, हर छह छह माह का इंटरेस्ट निकालना है, मुझे पहले छह माह का इंटरेस्ट बता दो, सिर्फ पहले छह माह का इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहा कि 10% रेट है, छह माह का इंटरेस्ट बता दे। उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि मैंने कोई कंपाउंडिंग का वर्ड अभी यूज नहीं किया, कंपाउंडिंग का तब करूंगा जब मैं सबको साथ लेके आऊंगा। तो पहले छह माह का भाई यही लगेगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अगर इसे करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू 1000, रेट 0.1 मल्टीप्लाई टाइम 0.5, तो आंसर क्या निकलेगा 50। ये मेरे पास पहले साल का निकला। मैंने कहा ये भी मेरे पास बैंक में पड़ा है, ये पहले साल मेरे बैंक में अमाउंट अब कितनी पड़ी होगी, 1050 रुपए। अब मैं कहता हूं ये जो 1050 रुपए है, इसके ऊपर अगले छह माह का इंटरेस्ट क्या आएगा? तो भाई अब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू रखेंगे, 1050 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई छह माह यानी कि 0.5 ईयर, इसका आंसर क्या निकलेगा वो निकालें। फिर आप क्या करेंगे इस आंसर को इसमें ऐड करने के बाद, तीसरे साल तीसरे पीरियड के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, तो ये मैनुअल एक एक पीरियड को सॉल्व किया जाएगा। इसकी एक फाइनल आंसर क्या निकलता है जी? नहीं, तब आपको जब बेटा जब आप ये कंप्लीट इसका फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये फैक्टर हमने यहां पहले ही लगा दिया है, तब आपको रेट को टाइम या टाइम को रेट के इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम देख भी लेंगे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो इसका आंसर क्या निकला जी? 12 15.50 मैनुअल सॉल्व करने से। अब अगर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, मैं अभी कोई टाइम कन्वर्ट नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1000 इंटू वन प्लस रेट कितने है जी मेरे पास, 0.1 एम। एम पीरियड यानी कि कंपाउंडिंग पीरियड कितना होगा, 2। अब देखें ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला रेट को टाइम के अकॉर्डिंग लेके आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक छह माह के अंदर 10% नहीं लगेगा, 5% रेट लगेगा। अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो 0.05 बनेगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा है और हमने रेट टाइम टाइम को कन्वर्ट किया था रेट के अकॉर्डिंग, तो मतलब यहां भी कन्वर्जन खुद ब खुद हुई हो रही है। इनटू यहां पर टाइम कितना है जी, 2 ईयर्स मल्टीप्लाई पीरियोडिक पीरियड 4, तो अगर सेमी एनुअली देखेंगे तो वो भी कितने बने, 1 2 3 4, तो वो भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पीरियड भी आ जाएंगे। आप आंसर लेके देखें क्या आया है, 12 15.50 ही आया होगा, ये इसके इक्वल आएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला जो है ये आप तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में आपको कंपाउंडिंग का वर्ड नजर आ जाए और साथ कहीं ना कहीं
साथ कहीं ना कहीं पीरियोडिक भी नजर आए, यानी कि सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, बाय मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली। जब ये वर्ड्स आपको नजर आएंगे तो ये एम वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें तो इससे भी फिर आप एनुअल भी करेंगे तो एम की जगह क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, तो आपके पास अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा, वन प्लस आर की पावर टी माइनस वन करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा, या इनटू प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला बन जाएगा। जी एक मिनट, सेम क्वेश्चन कौन से वाला है सर? अगर फर्स्ट ईयर 10 पर इंटरेस्ट हो, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाए क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व होगा? सर ये भी करेंगे, ये क्वेश्चन अभी कंपाउंडिंग में आगे आएगा पर हम करेंगे भी इंशाल्लाह। अब T2 क्यों लिखा है सर? T2 इसलिए कि मैंने कहा निकाला है, एक साल यहां पर कंप्लीट होता है, एक साल यहां पर कंप्लीट होता है, और एक साल यहां पे कंप्लीट होता है, तो ये मैंने दो साल इसलिए लिखे हैं। और दो साल में अगर 2 × 2 करके देखे तो आंसर कितना आया, 4। ये आपको पीरियड्स के बारे में टोटल आंसर बताएगा, तो अगर दो साल में पीरियड्स देखे तो भाई 1, 2, 3, 4 पीरियड्स आपके पास बनते हैं। अगर इसी तरह आपके पास पीरियोडिकली में इंटरेस्ट वो आपसे मांगे तो भाई इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + rate/m टाइम मल्टीप्लाई m माइनस 1। और ये कल हमने कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया था। सिर्फ कंपाउंडिंग में क्या होगा, रेट भी रेट डिवाइड हो जाएगा पीरियड नंबर ऑफ पीरियड से, और टाइम भी नंबर ऑफ पीरियड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आपके पास क्वेश्चन सेम रहेगा, तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज अगर याद कर ले तो फिर आप एनुअल ना भी करें तो भाई एनुअल में एम आपका इज इक्वल टू 1 होगा, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास अगेन फॉर्मूला वही बनेगा जो कल हमने फॉर्मूला बनाया था। मैंने अलग कर देना दोनों को। अगर हमने छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो भाई डिवाइड करेंगे, और अगर हमने बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आना है तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने सिर्फ पहला दूसरा क्वेश्चन किया था, इसको क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन में कहते हैं जी, मिस्टर मोगली टुक आरएस 3 lakh फ्रॉम बैंक एट 12.5% रेट कंपाउंडिंग। अगर ये पर ईयर ना भी बोलता तो फिर भी क्या था, एक साल था। अगर इसके साथ, अगर इसके साथ आगे एक चीज एक्स्ट्रा मेंशन होती, लिखा होता 12.5% रेट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन पीरियोडिकली होता, फिर ये क्वेश्चन किसमें आ जाता, पीरियोडिकली। अगर क्वेश्चन ये होता 12.5% कंपाउंडिंग पर ईयर सेमी एनुअली, तो इसका मतलब भी यही था कि जो पर ईयर है वो कंपाउंडिंग का रेट बताया है, और आगे सेमी एनुअली वर्ड शो करवा रहा है कि ये साल में 2 दफा इस रेट पे अमाउंट कंपाउंड होके मिलेगी। अगर वो प्रमोश है तो इसका मतलब है कि फिर ये क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो एनुअली होगा, जहां पर आपके पास
पीरियड इज इक्वल टू वन होगा, एम इज इक्वल टू वन होगा। उसने 3 लाख रुपए लिया, जब लिया तो उसके पास 3 लाख रुपए होगा या नहीं होगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी या फ्यूचर? प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये आपके पास रेट है जी 12.5%। व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, तो टाइम भी बता दिया 6 ईयर्स, 6 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी? क्या इंटरेस्ट पूछ रहा है या फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि टोटल अमाउंट या सम ऑफ द अमाउंट या लमसम अमाउंट, जहां भी कहेगा इसका मतलब है कि वो फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। तो जब आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो भाई यहां पर फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस, मुझे आर ओवर एम लिखने की जरूरत है, अगर मैं लिख दूंगा तो एम की जगह वन आएगा, तो फॉर्मूला खुद ब खुद ही वन प्लस आर हो जाएगा। क्या मुझे टाइम के साथ एम लिखने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे इसके बाद माइनस वन करने की जरूरत है? नहीं। माइनस वन मैं उस वक्त लिखूंगा जब मैंने क्या करना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा। अब मैं ये फॉर्मूला क्लोज कर दूं, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ए निकलेगा। अगर सेमी एनुअल होता तो आप यहां पर एम लिखते और यहां पर भी आप एम लिखते और इस एम की जगह पर टू लिखते और यहां पर भी टू लिखते और इसे सॉल्व कर लेते, 12 लिखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फ्रेड मार्शल इन्वेस्टेड सम अमाउंट, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करेगा यानी कि किसी को देगा या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करेगा तो वो आज करेगा, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू का नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, और किस रेट पे करेगा, और 2.7 पर क्वार्टर, और ये 2 डे आज कर रहे हैं। अब 2.7% पर क्वार्टर है, हर क्वार्टर का रेट दिया है, हर क्वार्टर का रेट दिया है, लेकिन कहीं पर वर्ड कंपाउंडिंग लगा है, रेट किसका दिया है? क्वार्टर का। तो भाई क्वार्टर, हर क्वार्टर में जब रेट लगेगा तो ये क्वेश्चन फिर कंपाउंडिंग होगा या सिंपल होगा? ये कंपाउंडिंग का होगा कि हर क्वार्टर पे रेट लगेगा, और हर क्वार्टर का रेट उसने बता दिया 2.7% पर क्वार्टर रेट है, और 15 इयर्स है। अब रेट क्वार्टर में दिया है, टाइम इयर्स में दिया है, तो या तो रेट को टाइम पे ले जाओ या टाइम को क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर लो। टाइम को क्वार्टर्स में ले जाएंगे तो भाई 15 साल में फिर कितने क्वार्टर्स होंगे? 15 मल्टीप्लाई तो 60 क्वार्टर होंगे। अब एक क्वार्टर का रेट दिया है तो टोटल कितने क्वार्टर? 60 क्वार्टर। रेट क्वार्टर में है तो टाइम भी किसमें चला गया? क्वार्टर में चला गया। अब वो रिसीव करता है 9 मिलियन, वो रिसीव करता है 9 मिलियन, तो यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर, इसके बाद इन टू टी आएगा या पावर में टी आएगा? भाई अगर कंपाउंडिंग होगा, लेकिन एक चीज भी याद रखिएगा, बाजू का तो रेट आपको जैसे भी कंपाउंडिंग पीरियड में दिया है, टाइम आपको कन्वर्ट करना था वो ईयर में दे दिया, हमने कहा कि 1 साल में 4 कंपाउंडिंग होते हैं, रेट उसने 1 कंपाउंड का दे दिया, मतलब हर 3 माह बाद ये रेट अप्लाई होगा, हर 3 माह बाद ये रेट अप्लाई होगा, तो मतलब उसका दे दिया। हमने कहा यार 15 साल का हम देखें तो सही कि इसमें 3-3 माह के क्वार्टर बनेंगे कितने, तो वो कितने बने? 60 बने। अब यहां पर तो फिर आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर भाई 4 से भी डिवाइड करेंगे क्यों, फिर आपका ये यूनिट ईयर
बड़ा है, क्वार्टर वाला छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हाँ फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो आप एक यूनिट को 2.7 को लेके जा रहे हैं, किसमें, ईयर में। तो भाई एक ईयर में क्वार्टर कितने होंगे, एक ईयर में क्वार्टर कितने होंगे, 4। 4 पे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये पूरे साल का, ये फिर क्या हो जाएगा, पूरे साल का रेट निकल आएगा। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर ईयर और क्वार्टर, फिर आप ईयर को 15 ही लिखेंगे, फिर 60 नहीं लिखेंगे। जब आप ईयर में ले जाएंगे तो फिर आप ईयर को 15 और रेट को कितना लिखेंगे, आंसर बता दें, आंसर 2.7 डिवाइडेड बाय 4। जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव और परसेंटेज, ये परसेंटेज के साथ पूरे एक साल का रेट निकलेगा, पूरे एक साल का। उसने तो क्वार्टर में बोला 2.5 2.5 2.5 2.5, हकीकत में अगर पूरे साल का देखेंगे तो 0.675% पूरे साल का रेट होगा। अब ये आप टाइम को चेंज नहीं करेंगे, फिर टाइम 15 और आपके पास रेट ये अप्लाई होगा। और अगर आप रेट 2.5 वाला लेंगे तो फिर आपको यहां पर टाइम क्या पुट करना पड़ेगा, 60 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेम रखेंगे तो आंसर सही आएगा। आंसर क्या है भाई, 1819767। भाई पीरियडिकली अब रहा ही नहीं है मुजल्फा बेटे, ये पीरियडिकली अब नहीं रहा, रेट पीरियड में था तो टाइम भी पीरियड में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको वो फॉर्मूला लगाना है तो भाई फिर मैं वो फॉर्मूला आपको सेट करके दे देता हूँ कि आपने वो किस तरह लगाना है। देखे जी क्लास, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + R/M इनटू टाइम मल्टीप्लाई एम। फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन अब मसला ये है कि आपको इसका रेट तो पहले ही पीरियडिकली दिया है, ये वर्किंग पूरी करके उसने इस पूरे का आंसर आपको दिया है R ओवर M का, M मतलब क्वार्टरली, तो उसने तो पूरे क्वार्टर का रेट ही आपको दे दिया, उसने आपको ये रेट कन्वर्ट करके दिया हुआ है। अब सिर्फ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर अगर आप ये करेंगे तो टाइम 15, क्वार्टर 4 यानी कि 60, तो ये वर्किंग हमने पहले बाहर कर ली है, तो आप उसे 60 कर लेंगे। तो ये आपको इसमें सिर्फ एक कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करके दी हुई है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह पर फ्यूचर वैल्यू कितनी मिली आपको, 9 मिलियन इज इक्वल टू एक्स 1 + 2.5% मैं ले लेता हूं कन्वर्जन वाला, और यहां पर लिख लेता हूं 2.7% है। चलेंगे आंसर 1819767। अभी यही है, अगर आप उसकी कन्वर्जन बाहर ही कर लेंगे और फिर सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे तब भी आंसर आपके पास वही आएगा। क्या हुआ इधर, 0 पॉइंट पीरियड कौन सा लगाया है, एक मिनट इसकी कन्वर्जन कर लें, 0.675 एग्जैक्टली। अब क्वार्टर में है, इसे मल्टीप्लाई 4 करें, आंसर क्या होगा भाई, एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, मैं वापिस लेके जा रहा हूं परसेंटेज में, तो एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा, 0 पॉइंट, मुझे ये किसी ने लिखा होगा 0.675। आंसर दोबारा देखें 2.7, आंसर कितना आया है,
0.675, तो साहब परसेंटेज लगाएंगे कि क्यों नहीं लगाएंगे? तो भाई यहां पर अगर आप वो पुट करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन आप 9 is equal to x, दूसरा ऑप्शन जब आप क्या करेंगे, आप टाइम एरिया में देंगे, रेट को चेंज करेंगे, तो 1 plus 0.675% लगाएंगे। अब इसको इसकी पावर 15 लिखें और सॉल्व करें। नहीं नहीं हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं ना, अगर इसका आंसर देखें तो कितना होता है 2.7, ऊपर 2.7, ठीक है। तो यहां पर आपने उसे जब मल्टीप्लाई किया तो फिर आपको साफ जरिए के कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई तो 4 से करना पड़ेगा इसमें जी। आप अगर परसेंटेज को करेंगे तो परसेंटेज को करने के लिए आपको 7 क्या करना पड़ेगा, फिर आंसर निकलेगा 0.00675 power 15, यही अंतर है। तो फिर क्या मसला है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखें जी, इसे क्या कहते हैं, वही आ रहा है, छोड़ देना, आप एग्जैक्ट मेथड से जाएं जो आपके पास R ओवर M और T मल्टीप्लाई M है, तो उसमें आप M पुट करें और एक आपको कन्वर्ट करके आर एडी पीरियड में दिया है, दूसरे टाइम को आप पीरियडिकली करके उसे सॉल्व कर लें। बबली वॉन वॉन्ट्स टू टुक ए लोन ऑफ 4 years, 4 साल के लिए लोन लिया जा रहा है, वो कहते जी विच वुड बी द लीस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम। अब अगर लोन लिया जा रहा है, उक लेना या देना, लेना, जब आप लोन लेंगे तो आप किस बैंक से लोन लेंगे जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा या जिसका रेट सबसे कम होगा, जिसका रेट सबसे कम होगा। तो यहां पर क्वेश्चन को एक दफा पूरा रीड करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा रेट सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को रीड करें, वो कहते हैं जी बबले वॉन्ट्स टू टुक ए लोन फॉर 4 years विच वुड बी लीस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम, जो सबसे कम फायदेमंद हो उसके लिए। तो इसका मतलब है कि अगर तो हम अपना फायदा देखें तो हम उस बैंक को लोन दें उससे लेंगे जिसका रेट कम होगा, लेकिन वो कहते हैं कि वहां से लोन ले जो सबसे कम फायदा दे, तो इसका मतलब है जहां रेट सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर आपने क्या देखना है, जहां रेट सबसे ज्यादा होगा आप वहां से क्या कर रहे होंगे, वहां से क्या कर रहे होंगे, लोन लेंगे। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देना होगा और वो है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करेंगे और उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे। अब इफेक्टिव रेट में 3 ऑप्शन देता हूं मैं, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए, एक बैंक एमसीबी है, एमसीबी बैंक आपको 10% रेट पे, और ये कंपाउंडिंग का रेट है, और इसमें पीरियोडिकली होगा 2-10% रेट में साल में 2 दफा अमाउंट को कंपाउंड करके देगा, और एक बैंक यूबीएल रेट चार्ज करेगा 9.1%
कंपाउंडिंग के साथ, और ये आपको साल में 6 दफा अमाउंट को कंपाउंड करके दे रहा होगा। एक बैंक मिजान है, ये रेट चार्ज करेगा 8.6% कंपाउंडिंग, लेकिन पीरियोडिकली पीरियड इसका होगा 12 का। एक बैंक 10% रेट पे साल में 2 दफा अमाउंट को बढ़ा के देगा, एक बैंक आपको साल में 6 दफा अमाउंट को बढ़ा के देगा 9.1% रेट पे, और एक बैंक 8.6% रेट पे साल में 12 दफा अमाउंट को बढ़ा के देगा। आपको कौन से बैंक की तरफ जाना चाहिए? करें सॉल्व, शाबाश, सॉल्व करें, मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू कोई भी एक अमाउंट अपने माइंड में सोच के आप एक इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें कि कौन से बैंक की फ्यूचर वैल्यू सबसे ज्यादा निकलेगी। छोड़ देना आप ये जो सीसी बोल रहे हैं भाई, ये पहले से सॉल्व करके देखें। हकीकत में आपने सिर्फ क्या किया है, पीरियड्स को देखा है, ये नहीं देखा कि फ्यूचर वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी। 1 ईयर टाइम, 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू कोई भी सोचे, जो एक के लिए सोचेंगे वो सबके लिए सेम होगी, क्योंकि आप एक सेम अमाउंट 3 डिफरेंट बैंक्स में जमा करवा रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू बताएं कि कौन से बैंक में सबसे ज्यादा आएगी। सॉल्व कर लिया सबका? बच्चों का ऑप्शन है जी ए, हारिस बेटा अभी भी आपका सी है, ओके। कुछ बच्चों का जी ऑप्शन सी, मैंने पिछले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बोला, मैंने अब के अकॉर्डिंग बोला कि किसकी फ्यूचर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ऑप्शन ए की या ऑप्शन सी की? ऑप्शन ए की, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑप्शन ए की रहेगी आप लोगों के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे क्या निकालूंगा, इसका एक इफेक्टिव रेट निकालूंगा कि हकीकत में अब आप लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया होगा, कोई सी भी एक वैल्यू अस्यूम की होगी, जिसने भी जो भी वैल्यू अस्यूम की, मैं वैल्यू अस्यूम कर रहा हूं 100 की, मैं वैल्यू अस्यूम करूंगा 100 की। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 100 ही अस्यूम की थी? सारी क्लास ही। आपने कौन सी अस्यूम की थी? 100,000, ठीक है। अब देखिए जी, अब मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस रेट 10% कंपाउंडिंग पीरियड 2 और टाइम 1 ईयर यानी कि पावर 2। आंसर कितना निकला? 110 ये आंसर निकला मेरा फ्यूचर वैल्यू का, 110 रुपए, यानी कि इंटरेस्ट निकला 10.25। दूसरे का अगर मैं निकालूंगा तो 101 प्लस 9.1% कंपाउंडिंग पीरियड 6 और 6 आ जाएगा इज इक्वल टू आंसर। और तीसरे के लिए 1 प्लस 8.6 डिवाइडेड बाय 12 ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सबसे ज्यादा हमें किसका फ्यूचर वैल्यू किसकी मिलेगी? एमसीबी की फ्यूचर वैल्यू हमें मिली एमसीबी की। अगर भाई हम इन्वेस्ट करेंगे, तो कौन से बैंक में करेंगे? एमसीबी में, क्योंकि इन्वेस्ट ही तो करने जा रहे थे, फ्यूचर में हमें 110 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर हम विड्रॉ करवाएंगे, निकालेंगे पैसे, तो मिजान बैंक में। लेकिन इसे आसान वेडिंग में कैसे सॉल्व किया जाए, जब ना तो आपको कोई प्रेजेंट वैल्यू, ना आपको कोई टाइम, ना आप लोगों को कोई और
वैल्यू बताई जाएगी, तो भाई आप देखेंगे कि हकीकत में ये जो आपको साल में दो दफा वाली अमाउंट दिखा के या साल में छह दफा वाली अमाउंट दिखा के या साल में 12 दफा वाली अमाउंट दिखा के, हकीकत में ये पूरे साल का आपसे रेट कितना चार्ज कर रहा है। दिखाया तो ये कि 10% साल में दो दफा, 8.6% साल में 12 दफा, 9.1 साल में 6 दफा, लेकिन अगर ये 6 दफा है तो ये पूरे एक साल का रेट देता तो कितना देता? अगर ये 12 वाला पीरियड है, ये पूरे एक साल का रेट देता तो कितना देता? इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट, इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट। इसका फॉर्मूला होता है, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती इसमें, बाकी सेम फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही लगेगा। फॉर्मूला होगा इसका 1 + rate/m टाइम मल्टीप्लाई m माइनस 1 इंटू 100% के लिए इंटू 100। ये फॉर्मूला आपके पास इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला होगा। भाई इसमें m लाजमी आएगा क्योंकि ये होगा ही पीरियोडिकली, हमने इसको पीरियोडिकली से किसमें लेके जाना है, एनुअली बेस पे लेके जाना है कि पूरे एक साल का पीरियड कितना बनेगा। अब अगर हम ऑप्शन ए का देखें, अगर हम ऑप्शन ए का देखें तो 1 + 10% / 2 और 2 - 1 × 100, आंसर कितना निकला जी? 10.25%। भाई अगर ये पूरे साल का रेट देता, ये कहीं पर पीरियडिकली का सहारा ना ले, तो ये पूरे साल का रेट कितना देता? 10.25%। यार ये 10.25% दे रहा है पूरे एक साल का, लेकिन दिखा 10% रहा है और साथ कह रहे कि ये मैं साल में दो दफा अमाउंट पीरियडिक करूंगा। अगर हम बी की बात करें तो 1 + 9.1% / 6 और 6 - 1 × 100, आंसर ये हकीकत में पूरे साल का आपको 9.45% दे रहा है, लेकिन दिखा कितना रहा था? 9.1% और साल में 6 दफा कंपाउंडिंग की पीरियड, साल में 6 दफा, तो कभी भी पीरियडिकली पे जाके डिसीजन मेकिंग ना करें, पहले उसका इफेक्टिव निकालें कि भाई इफेक्टिव बनता कितना है पूरे साल का, और इफेक्टिव रेट हमेशा पूरे एक साल का ही निकलता है। अगर सी में देखें तो 1 + 8.6% / 12 - 1 × 100, आंसर ये हकीकत में 8.94% आपको रेट देता है पूरे एक साल का। अब अगर जो ऊपर वैल्यूज आपने ली थी, और अब अगर आप ये वैल्यूज उसमें पुट करके देखें, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यूज बिल्कुल वही सेम आएंगी। कोई भी एक रिक्वायरमेंट हम सॉल्व कर लेते हैं, सी की रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं, उसका हासिल में रेट कितना निकला? 9.8.94। अब यही रेट लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। 1000 या 100 ज्यूम की थी, 100 अज्यूम की थी, जिन्होंने जो भी वैल्यूज अज्यूम की थी वही वैल्यूज पुट करेंगे, पर रेट क्या लगा देंगे? 1 + 8.94% पावर में टाइम एक साल का, क्योंकि तो उधर भी एक साल ही लिया तो इधर भी क्या लेंगे, एक साल। तो सॉल्व करें तो आंसर क्या निकलेगा? क्या ये आंसर वो ही निकला जो हमने पीरियोडिकली सॉल्व करने के बाद निकाला? हमने ये पीरियोडिकली सॉल्व किया, आंसर निकला, हमने इस रेट को पीरियोडिकली से एनुअली कन्वर्ट किया और पूरे एक साल का रेट निकाला कितना बनता है, फिर हमने वो एक साल के अकॉर्डिंग रेट लगा के देखा, तो आंसर दोनों में क्या रहा? सेम रहा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ऐसा MCQs आ जाए तो आप पहले उसका इफेक्टिव रेट निकाले और फिर इस इफेक्टिव रेट को, फिर उस इफेक्टिव रेट को कंपेयर करें कि जिसका रेट सबसे कम होगा,
जिसका रेट सबसे कम होगा वो कम फायदा देगा, जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा फायदा देगा। अब सेम उस एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और वो एमसीक्यूज भी हमारा ऐसे ही था। वो कहते हैं कि 4 साल के लिए, यहाँ टाइम डिफाइन कर दिया है कि 4 ईयर्स के लिए वो क्या करेगा, एक अमाउंट कोई भी जमा करवा रहा होगा। अब आपने क्या करना है, कोई भी अमाउंट सोचे, कोई भी अमाउंट सोच ले, या आप क्या कर लेंगे इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, लेकिन इफेक्टिव रेट सिर्फ उस वक्त निकालेंगे जब आपके पास 1 साल का दे रहा होगा। अब 4 साल का दिया है तो बेहतर यही है कि एक प्रेजेंट वैल्यू सोचें, प्रेजेंट वैल्यू सोच के 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, जैसे कि यहां पर निकला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट से 140, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से निकला है क्वार्टरली के हिसाब से 134, उसके बाद 137 और 139.5। तो सबसे 4 साल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ 140 आपको देने पड़ेंगे और ऑप्शन बी में आपको देने पड़ेंगे 139.5। अगर 5 साल होते तो ये कहानी उलट हो जानी थी, अगर 5 साल होते तो कहानी उलट हो जानी थी। कैसे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा और कंपाउंडिंग में बढ़ता रहेगा, तो भाई यहां पर अभी 0.5 का फर्क है। तो अगर यहाँ 5 साल लिखते, लिख के देख लेते हैं, यहाँ 5 साल से इसे सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है, 5 साल के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा। सिक्स। और अगर सेम यहां पर 5 पुट कर दें क्या बनेगा, और यहां 151.62। तो जैसे ही देखें अगर 5, 6, 7 इससे ऑनवर्ड जाएंगे तो कहानी टोटली चेंज हो जाएगी, और जहां हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे वो हमारे लिए लीस्ट बेनिफिट होगा। तो ये टाइम अपना असर जब दिखाए, टाइम दिया हो, तो बेहतर यही है कि आप कोई सी एक प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम करके उसे फ्यूचर वैल्यू उसकी निकालें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आफ्टर 3 ईयर क्या हो रहा है, आफ्टर 4 या आफ्टर 5। अभी तक 4 ईयर के अकॉर्डिंग तो सिंपल आपकी क्या थी, कम थी, सॉरी ज्यादा थी, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आपकी कम थी, लेकिन जैसे ही 5 ईयर हुए तो कंपाउंडिंग की अमाउंट तो हर दफा बढ़ेगी, सिंपल की हर दफा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप क्या करते, ऑप्शन डी लगा देते। लेकिन लेकिन अगर वो लीस्ट बेनिफिट की बात करता तो हो सकता है यहां पर फिर इन दोनों को कंपैरिजन करना पड़ता 5वें साल के, तो 5वें साल में अभी भी ये छोटी होती, सॉरी ये वैल्यू कम होनी थी, लेकिन 7वें 8वें साल में जाके ये वैल्यू भी सिंपल से क्या हो जानी थी, इंक्रीज हो जानी थी। क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने कल किया था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल से नहीं, क्वेश्चन किसके साथ है जी, कंपाउंडिंग एनुअली है, ये कंपाउंडिंग में है। वो कहते हैं जी इफ बामसी इन्वेस्टेड आरएस 250,000 टुडे कंपाउंडिंग, आज जमा करवा रहे 250, यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 25,000 क्या होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए, तो टाइम क्या होगा, अभी ये डिसाइड कर सकते हैं कि टाइम 7 ईयर्स होगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम या ज्यादा होके रिक्वायरमेंट में कम या ज्यादा वाला पूछ रहा हो। वो कहते हैं कोई पेनल्टी नहीं होगी अगर ये 2 साल से पहले निकलवा लें, लेकिन इसने अमाउंट रिसीव की 3 साल के आखिर में कितनी, 35,000। तो क्या 7 साल अब वैलिड है, नहीं। अब वो कह रहे भाई पहले साल मतलब 0 ईयर पे उसने 25,000 दिए, तीसरे साल के एंड पर 35,000 ले रहा है, तो क्या बताएं कि ये रेट जो निकाला है ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे रिक्वायरमेंट, अब क्या है रेट की, क्योंकि हमने रेट देखना है कि क्या ये रेट स्टेटमेंट 1 करेक्ट ओनली होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, या बोथ स्टेटमेंट होंगी, ये हमने देखना है। रेट उसने बोला 11.86 रेट है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ओवर एम, कंपाउंडिंग है लेकिन पीरियोडिकली 1 है, क्योंकि उसने कोई ना तो क्वार्टरली
ना उसने सेमी एनुअल ऐसा कुछ नहीं बोला, तो फिर आप क्या करेंगे, आर और उसकी पावर टी ले लेंगे। तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद 35,000, प्रेजेंट वैल्यू 25,000, 1 प्लस रेट फाइंड करना है, और टाइम कितना है जी 3 साल का। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई, ऑप्शन वन क्या हो जाएगा करेक्ट, स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गई है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट वो कहता है कि ही गेट्स, उसको फ्यूचर में पैसे मिले 4,43,783.86 इफ ही विथड्रॉज आफ्टर 5 ईयर। अगर वो 5 साल के बाद पैसे निकलवाए, कौन से वाले 25,000 वाले, अगर वो 5 साल के बाद निकलवाएगा और करेक्टेड रेट के साथ, क्योंकि ये तो गलत निकला ही नहीं है, अगर गलत होता तो फिर आप करेक्टेड रेट के साथ 5 साल के फ्यूचर वैल्यू देखते, तो क्या निकले जी फ्यूचर वैल्यू 4,37,83.86। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, ठीक होंगी, करेक्ट होंगी। इसके बाद कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं डोरेमोन एंड नोबिता इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, क्या सेम अमाउंट का पता है कितनी इन्वेस्ट करें, नहीं तो फिर क्या कर देंगे, सेम अमाउंट है, डोरेमोन की भी 100 हो जाएगी और नोबिता की भी 100 हो जाएगी। वो कहते हैं जी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट द रेट 6% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू डोरेमोन का नेम है तो डोरेमोन का रेट होगा, और दूसरा नोबिता है तो नोबिता की वैल्यू का रेट होगा। वो कहता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद नोबिता मैडम क्या करती है जी, विथड्रॉ कर लेती है इन्वेस्टमेंट फॉर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग के लिए वो पैसे क्या कर लेगी, विथड्रॉ कर लेगी, निकलवा लेगी 5 साल के बाद। बट डोरेमोन कीप हिज मनी फॉर मोर 4 ईयर्स, लेकिन डोरेमोन ने मजीद चार साल, तो 5 साल पहले गुजर गए नोबिता के पैसों के साथ, 4 साल मजीद पड़े रहे, इसका टाइम कितना होगा, 9 ईयर्स का हो जाएगा। उसने 4 साल मजीद पैसे रखे, व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट डोरेमोन गेट्स एज कंपेयर टू नोबिता, कितनी अमाउंट उसे एक्स्ट्रा मिलेगी नोबिता से डोरेमोन को। तो आप क्या करेंगे, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे डोरेमोन की, फिर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे नोबिता की। डोरेमोन की लाइफ और वो जो टाइम पीरियड होगा वो 9 ईयर होगा, नोबिता का टाइम पीरियड कितना होगा, 5 ईयर होगा। नोबिता का रेट होगा 9% और डोरेमोन का रेट होगा 6%। जो भी इन दोनों के फ्यूचर वैल्यू के आंसर आए, आप क्या कर देंगे, उसमें से नोबिता का डोरेमोन के आंसर में से, फ्यूचर वैल्यू में से नोबिता की फ्यूचर वैल्यू माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन डी, मैंने इसीलिए ऑप्शन ए लगाया था, जिसने सॉल्व करके बताया है उसने बिल्कुल ठीक बताया, कि मैंने अभी अपडेट नहीं की कि मैं कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। सर 154 डोरेमोन की फ्यूचर वैल्यू निकली, 145 नोबिता की फ्यूचर वैल्यू निकली, और आजकल अगर हम 154 में से 145 को माइनस करेंगे तो आंसर 9 ही आएगा। क्या देखे भाई, कर किससे रहे हो, कहीं पर कंपाउंडिंग लिखा है तो किससे किया सर, सिंपल सी करना था, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बल्कि एक मिनट, इन्वेस्ट और एक मिनट, कंपाउंडिंग से 9 और सिंपल से 15, अगर ये अमाउंट एट द रेट 9 और कंपाउंडिंग आ जाएगा, नहीं अगर कंपाउंडिंग आ जाएगा तो फिर आंसर क्या निकलेगा, 9। ये क्या है, अच्छा ये सिंपल से निकला है 9 और कंपाउंडिंग से,
कंपाउंडिंग और सिंपल से इसके आंसर निकाल के बता दो। सिंपल से नाइन है, यही तो मैंने पहले भी बोला था। अभी अगर अमाउंट कंपाउंडिंग से, और बाय डिफॉल्ट जब वो खामोश होगा तो फिर किससे करेंगे? कहीं पर उसने कंपाउंडिंग लिखा, फिर सिंपल से करेंगे, और सिंपल का आंसर नाइन है, ऑप्शन डी है। जब हमारे साथ कंपाउंडिंग मेंशन कर देगा तो तभी तो कंपाउंडिंग में लेके जाएंगे, अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे कि भाई वो सिंपल से करके बैठे, जब फिर एड के साथ कंपाउंडिंग आएगा आगे कुछ ना मेंशन करे, फिर वो रेट कंपाउंडिंग एनुअली ही होगा। वर्ड कंपाउंडिंग मेंशन कर दे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर नाइन, अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल गाजी सर कौन सा बच्चा आपको तंग कर रहा है बताएं हमें। नहीं, मैंने उसको माइक ऑफ कर दिया, उसे नहीं सुनाई। ओके, अब ये तंग करे तो आप उठ के साइड पे हो जाए। अर्तुगरुल गाजी इन्वेस्टेड आरएस 18,000 टुडे। बस क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि ना ये हमारा अभी कंपाउंड में आएगा, ना ये सिंपल में आएगा। आफ्टर थ्री इयर्स, बल्कि एक मिनट, व्हाट विल कंपाउंड नहीं करिए, ईच का वर्ड नहीं कहीं पर भी मेंशन। ईच का वर्ड होता तो ये परपेचुटी और एनुटी में भी चला जाता। वो कहते हैं एंड विल, आज वो 18,000 रुपए देके चला गया और जाते हुए कहेगा कि मैं 3 साल बाद एक जंग से वापिस होके आऊंगा और आगे पैसे अपने निकलवा लूंगा आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी है और कुछ तो किया नहीं जा सकता। वो जंग पे गया है, 18,000 रुपए पकड़ा के आज 3 साल बाद आएगा और वो कहते 3 साल के बाद मैं आके पैसे ले लूंगा। वट विल बी दी अमाउंट इफ ही विड्रॉस या विड्रॉल आफ्टर 4 ईयर्स, लेकिन वो चौथे साल के बाद वो पैसे निकलवाता है, मतलब 1 साल लेट हो जाता है, तो फिर ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा। वो पैसे 4 साल के बाद आके लेगा, तो वो 4 साल के बाद ही हम उसकी क्या देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू देखेंगे एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडिंग। अब आगे कंपाउंडिंग ना भी एनुअली लिखता, खामोश रहता, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता, एनुअली होता। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर t, क्योंकि कंपाउंडिंग पीरियड नहीं है, पीरियडिकली नहीं है, तो m से डिवाइड ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू 18,000 रुपए 1 + रेट 0.14 कर लें और टाइम 4 ईयर, क्योंकि 3 ईयर में उसने निकलवाए नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अच्छा, अब इसे छोड़ें, ये क्वेश्चन वैसे मैं करवाऊंगा, लेकिन आगे क्वेश्चन मजीद करते हैं, जिसमें एक बच्चे का स्टार्ट में क्वेश्चन आया था कि सर अगर दो डिफरेंट रेट्स पे एक अमाउंट को वो अगर जमा करवा दे तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर उसके लिए दो डिफरेंट रेट वाला डॉक्टर घसीटा, ये दो डिफरेंट रेट वाला है ना, एक मोहम्मद सईद वाला और एक डॉक्टर घसीटा वाला, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डिफरेंट टाइम्स पर रेट के साथ आएगा। क्वेश्चन है जी, डॉक्टर घसीटा इन्वेस्टेड 5 lakh for 6 years, 6 साल के लिए उसने एक अमाउंट 5 लाख रुपए की क्या कर दी, जमा करवा दी 6 ईयर के लिए, 0 ईयर पे खड़े होके कितनी अमाउंट, 5 लाख रुपए। वो कहते हैं जी इसने 6 साल के लिए जमा की,
ही रिसीव लमसम अमाउंट कितनी, 8,22,531, 8,22,531 रुपए 6 साल के बाद लमसम उसने हासिल किए थे। यानी कि लमसम ये क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू, ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। अब इफ ही अर्न 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, आखिरी 4 सालों में उसे कितना मिला, 10% रेट मिला। और विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल का रेट बताएं कितना होगा, और ये रेट जो भी होगा ये क्वार्टरली अप्लाई किया गया था। यानी कि यहां पर पीरियोडिकली भी पूछ, उसने बता दिया कि ये क्वार्टरली रेट लगा, तो इसका मतलब है यहां एम क्या होगा, 4 होगा। तो पूरा क्वेश्चन देख लें जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो डॉक्टर कैसी का 5 लाख रुपए आज जमा करवाएगा 6 साल के लिए, और 6 साल के बाद उसे 8,22,531 रुपए मिलते हैं। ये 8,22,531 में लास्ट 4 ईयर के ऊपर तो हमें उसने बता दिया कि 10% रेट अप्लाई हुआ है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर्स पे जो रेट अप्लाई हुआ है वो रेट कंपाउंडिंग के साथ हुआ है, और साथ क्वार्टरली भी हुआ है, यानी कि पीरियडिकली। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखें फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, 1 + rate 1 × 1 into 1 + rate 2 × 2, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। अब पहला अगर आप देखा जाए तो ये आप यहां पर m और यहां पर भी into m कर सकते हैं, और यहां पर भी m और into m कर सकते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी, 8,22,531, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख इंटू 1 + पहले 2 साल का रेट देखना है, तो जो भी रेट होगा हमें नहीं पता, एक्स पुट कर दिया, और है क्वार्टरली तो भाई क्वार्टर पे तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई टाइम कितना 2 साल का, मल्टीप्लाई एम क्वार्टर में पीरियडिकली पीरियड क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई इंटू 1.1, मैंने मतलब 10% को लिख दिया, या अगर आप ये भी लिख लें 1 + 0.1। और क्या इसे कोई उसने पीरियडिकली किया, नहीं, ये नहीं बताया, तो ये मतलब पूरे साल का ही 10% होगा, लेकिन कितने साल के लिए, 4 ईयर, 4 साल के लिए। अब आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.86%, तो ऑप्शन 5.87%, तो ऑप्शन ए होगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी बता देंगे क्या उनका ऑप्शन ए निकला है। वो बात की। अच्छा जी, बाद में मुझे वैसे बता दीजिएगा कि पेपर में आपको क्वेश्चन किस तरह से आए थे, ताकि कल हम बच्चों के साथ डिस्कस कर लें कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो कल डिस्कस कर लीजिएगा, अभी टाइम शॉर्ट है, 2-3 मिनट रह गए वाइंड अप करने वाले वैसे। अच्छा जी, कालिया, जो कालिया का है वो कहते जी ये कुछ अमाउंट मस्त बैंक लिमिटेड में करवाएगा, कुछ अमाउंट सुस्त बैंक लिमिटेड में करवाएगा, सुस्त बैंक लिमिटेड ने कोई नई स्कीम बनाई क्या, सुस्त बैंक लिमिटेड मस्त बैंक लिमिटेड से उसे कन्वर्ट करवा के कालिया को अपने पास ला सकता है या नहीं। तो ये आप इफेक्टिव रेट से निकालेंगे, इफेक्टिव रेट देखेंगे कि क्या उसका इफेक्टिव रेट सुस्त बैंक का मस्त बैंक से ज्यादा है, तो भाई ये उसके लिए रेट क्या होगा, अच्छा होगा, वो अपना बैंक उसमें कन्वर्ट करवा लेगा। उसके बाद आगे वाले तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे, मिस्टर बदतमीज ये वाला क्वेश्चन भी इसी से ही सॉल्व होगा, शरीफ एंड बदमाश वाला भी सेम, जैसे आपने नोबिता और डोरेमोन वाला किया है सेम क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला होगा, वो नहीं करेंगे, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन आप कंपाउंडिंग, ओहो ओवर कितना, ओहो ये सिंपल से नहीं, ये मैंने एनपीवी में करवाऊंगा डिसीजन मेकिंग में कि क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है उसका
ओवरऑल असाइनमेंट में आप ढूंढ लीजिएगा, इसकी मेमोरी क्लियर करें और इसका मंत्र ना करें, शायद फिर कर दे भैया आप, करना तो उसे चाहिए। अच्छा जी हाँ, या कैलकुलेटर नया ले ले, इसी अंदर जितने भी सिंपल के और कंपाउंड के क्वेश्चन होंगे, कल हम अपनी असाइनमेंट में ये जो क्वेश्चन आप लोगों के शेयर किए हैं, इसके अंदर जितने भी सिंपल और कंपाउंडिंग के क्वेश्चन होंगे, कल का सिर्फ हमारा काम यही होगा कि हमने उनको एक एक करके डिस्कस करना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उन्हें सॉल्व करें, जो नहीं होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे। पहले एक घंटा हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम डिस्कस करेंगे। हाँ बल्कि सॉरी, परपेचुटी और एनुटी का करेंगे, या पहले एनपीवी भी अगर करवा लें तो उसे भी परपेचुटी एनुटी कर सकते हैं। आईआरआर का ये जो हम फाइनेंस कर रहे हैं, ये कल और परसों, ये दो दिन के अंदर, कल और परसों ये दो दिन के अंदर हमारी इंशाल्लाह फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगी, और एक दिन में मजीद इसे दूंगा जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और उनके आंसर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर मेरा मेन कोशिश ऑब्जेक्टिव यही है कि हम डायरेक्ट उठे और प्रोबेबिलिटी की तरफ चले जाए इंशाल्लाह। ओके जी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे जिनका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज, मुझे मैसेज कर दें। आपने दूसरे नंबर से रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा ग्रुप में, मैं एक्सेप्ट करूं। चलिए नंबर मुझे दे देना, मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट। ओके जी 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 मिल जाएगी वीडियो में इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। हाँ पूछ लेता है सर, मेरा शुगर लेवल लो है, तुझे पूछ लूं। सर आर बाई एम है और टी को मल्टीप्लाई है, सर इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या, और इस टाइम आपकी इच्छा मुझसे लेते हैं और टी के साथ ये एंड एंड लेक्चर। नहीं सर ये मुझे नहीं समझ, आप भी ये समझा रहे थे ना, मुझे एक कंफ्यूजन हो गई। ये रेट को टाइम के इक्वल लाने के लिए होता है, रेट को टाइम के बराबर। तो अगर ये दिया होने के रेट को किया हो क्वार्टरली, तो टाइम को क्वार्टर के जरिए बराबर नहीं लाते। ओके हरीश भाई बाय सर, उनकी तरफ बॉय बोला जाता है ना, बाय सर। अल्लाह हाफिज़।